Hello student, welcome to my channel. I am going to explain quarks and Coulomb's law. So let's start. Quark. तो quark क्या होता है? सबसे पहले हम quark के बारे में बताएंगे. तो यहाँ पर quark हमारे पास जो साइंटिस्ट गेलमैन और ज्वांग दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल है वो जो हमारे आज जो फंडामेंटल्स एलिमेंट के साथ से मिलकर बने होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्वार्क कहते हैं. क्वार्क का कंसेप्ट ये है कि जो क्वार्क हमारा है, जितने भी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे वो जो हमारे फंडामेंटल एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्वार्क कहते हैं. तो क्वार्क के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया. तो अमेरिकन साइंटिस्ट थे दो, जिन्होंने 1990 में इसके बारे डिस्कवर किया था इन पार्टिकल के बारे में. अमेरिकन साइंटिस्ट थे, कनाडा के साइंटिस्ट थे, तो उनको इस बारे में नोबेल प्राइज़ मिला. ज़्यादा ना बताकर तो क्वार्क्स के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन कराना चाह रहा हूँ. तो हमारे पास क्वार्क्स के वेरियस नेम है. जैसे हमारे पास है अप क्वार्क. इसकी जो इस पर जो चार्ज होता है वो आपका प्लस 2e अपॉन 3 अप क्वार्क. उसके बाद है डाउन क्वार्क. तो इसकी वैल्यू होती है माइनस e बाई 3. ये तो दो ऐसे और भी होते हैं. स्ट्रेंस क्वार्क होता है, उसके बाद होता है टॉप क्वार्क होता है, बॉटम क्वार्क होता है, लेकिन मेन दो ही हैं, ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क. तो इसी से मिलकर इनकी कंपोजिशन से में हमारा बना हुआ है प्रोटॉन. तो कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन हम भी यहाँ बताने जा रहे हैं. कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन में क्या है हमारे पास, इसको लिखे अप क्वार्क, एक अप क्वार्क और डाउन क्वार्क. दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क. अप क्वार्क ये होते हैं, उसके जो चार्ज होता है अप क्वार्क में वो होता है 2e/3 प्लस फिर 2e/3 माइनस डाउन क्वार्क की वैल्यू क्या है e/3. सो सॉल्व करेंगे तो एल्शियम 3 आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी. हम जानते हैं प्रोटोन में चार्ज कितना होता है. कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो दो अप क्वार्क से बना है, एक डाउन क्वार्क से. तो इसके बारे में जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो बनाया था पार्टिकल के बारे में कहा है कि जितने प्रोटॉन के हैं फंडामेंटल पार्टिकल है, तो फंडामेंटल पार्टिकल से अप क्वार्क और डाउन क्वार्क इनसे मिलकर बना हुआ है. इनको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट हैं, इनसे मिलकर बने. अब दूसरा हमारा पास कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन के बारे में आप जानते हैं, न्यूट्रॉन में चार्ज कितना होता है, जीरो होता है. तो इसमें क्या होता, न्यूट्रॉन में कंपोजिशन होता है, एक होता है अप क्वार्क, दो डाउन क्वार्क होते हैं. अप क्वार्क की वैल्यू आपको पता है कितना है, प्लस 2e/3. डाउन क्वार्क में कितनी वैल्यूज है, माइनस ई बाई थ्री. इसको सॉल्व करेंगे तो चार्ज कितना है, जीरो है. तो न्यूट्रॉन में जो चार्ज होता है जीरो होता है, प्रोटॉन में चार्ज क्या है. तो इस यहाँ से जो क्वार्क के सिस्टम से थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता है, क्वार्क के बारे में बताना चाहिए. अभी हम लोग ज़्यादा स्टडी में नहीं है, सिलेबस में नहीं है ज़्यादा, तो आपको क्वार्क के बारे में. अब हम इसके बाद चलेंगे कूलम्स लॉ. अब कूलम्स लॉ के बारे में हम जानते हैं, जो कूलम्स लॉ आप पढ़े हैं. तो जैसे हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ ऐसे ही है जैसे ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ फोर्स, वैसे ही कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता चला है कि जब दो आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, वही ये अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है या रिपल्सन फोर्स है. बाय एक्सपेरिमेंट से तो साइंटिस्ट था, इस फोर्स को हम कहा गया इस फोर्स की वैल्यू इसको कहा गया इलेक्ट्रिक फोर्स.
तो चार्ल्स के भी इसको इस फोर्स के बारे में फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे चार्ल्स अंगस्ट्रम कुलम, इसके बारे में जो उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था इसके बारे में, इस लॉ को इस्टेब्लिश की थी इसको, इसलिए इसको नाम कुलम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। कुलम साइंटिस्ट ने, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि दो चार्ज के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या रिपल्सन लगती है, तो इसी उनके नाम से ही इसको रखा गया कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ का मतलब है, तो कुलम्स लॉ में दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज लें हम यहाँ पर, दो चार्ज लें, एक माना ये क्यू वन और दूसरी चार्ज हम यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज लें क्यू टू, दो चार्ज हमारे और इनके बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है, तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स भी लग सकता है, रिपल्सन फोर्स भी लग सकता है। इट मे बी अट्रैक्शन फोर्स, इट मे बी रिपल्सन और अट्रैक्शन, ये डिपेंड करती थी। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे रिपल्सन लगेगा, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो Q1 Q2 जो यहाँ पर है पॉइंट चार्ज है, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज होगा आगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड टू चार्जेस। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा, जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी ऐसे ही यहाँ पर भी है, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का जो स्क्वायर है उसके डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये दो, इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन टू है, इन दोनों को कंबाइन करें, तो कंबाइन करने पर फ्रॉम फर्स्ट एंड टू कंबाइन करें, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जब चार्ज कहाँ पर रखे हों, एयर या वैक्यूम में रखे हों, उस केस में यहाँ पर हम समझा रहे हैं, तो एफ इक्वल टू, इस साइन को रिमूव करते हैं तो ये कांस्टेंट लगाते हैं, इसको कहते हैं, इसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, या इसकी वैल्यू, और यहाँ है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के ई यहाँ पर है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो हमारे पास दिया हुआ है इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, इट्स इसको नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट भी सामान्य जैसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं G, जो वैसे ही यहाँ पर है फोर्स कांस्टेंट। अब बाद में हम कंपेयर कराए दिखाएंगे आपको। तो ये इसकी जो वैल्यू, हम लोग इसकी जो वैल्यूज है फोर्स कांस्टेंट की, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, इसका न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9×10⁻⁹ न्यूटन कुल मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इसको के की वैल्यू, तो यहाँ पर के बराबर आपका, तो के ही जो है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, जब पाई की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर जो हमारा है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी ये मैग्नेट में पढ़ोगे, अभी मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे तो इसको परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। ऐसे वहाँ म्यू नॉट आता है। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 8.85×10⁻½ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इसकी जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है इतनी होगी। तो ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर माइनस ट्वेल्व ये हमारा। तो ये हमारे पास है, इसको कहते हैं, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ, ये जो फोर्स है हमारा, वह जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है 1। अब यहाँ पर के की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/4 pi epsilon naught रखेंगे, तो हमारा फोर्स यहाँ पर जाएगा। अब हमारे फोर्स की बात करेंगे तो ये फोर्स हमारा F=1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square। ये फोर्स हमारा, ये फोर्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
अब चार्ज कभी, अब यहाँ पर एक शब्द हम यूज, जो व्हेन चार्ज प्लेस इन ए मीडियम, किसी मीडियम में रख दें तो यहाँ पर आप जाएगा एफ, इसको एम एम एफ एम लिख दें, फोर्स रखेंगे तो 1/4 pi epsilon naught, एक यहाँ पर कैपिटल के लगा देते हैं, Q1 Q2 upon r square, जो के है यहाँ पर के, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं रिलेटिव रिलेटिव पर परमिटिविटी परमिटिविटी, या इसको सामान्यतः के को जो हम नोट करते हैं एप्सिलॉन आर से भी नोट करते हैं, क्योंकि दिस इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन, दिस इज इक्वल टू होता है इसकी एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन है यहाँ पर जब वेयर एप्सिलॉन जो यहाँ पर केवल एप्सिलॉन है, नॉट नहीं है, नॉट मीन मीडियम, एयर कोई वैक्यूम, सॉरी नॉट का मतलब वैक्यूम एयर, और नॉट जहाँ पर नॉट ना लगाओ तो वहाँ पर देखिए इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं ऊपर ऊपर परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये सिंपल चीज़ें याद करने हैं, इसमें न्यूमेरिकल में काम आता है। अब यहाँ पर जो के है, के की वैल्यू जो ईयर के लिए लगभग एक 1 point something होता है, 1.00 something ईयर के लिए, या वैक्यूम के लिए वन होता है, और के की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा होता है, कोई भी मीडियम हो उसके लिए 1 से ग्रेटर, जो वाटर के लिए क्या 81 होता है, वाटर के लिए 81, और मेटल के लिए के इक्वल टू होता है इन्फिनिटी, मेटल जो हमारा मेटेलिक मीडियम हो, मेटल हो तो इसके लिए इन्फिनिटी, कुछ के, के मीन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये हमारे पास है। अब वैसे अब फोर्स की बात करते हैं, जब वन फोर्स ईयर में, ईयर के फोर्स में, ईयर में फोर्स कितना होगा 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square, जब फोर्स ईयर में हो, मीडियम जब चार्ज को किसी ईयर में रखे हो, उनके बीच में ईयर हो मीडियम, तो यहाँ पर ईयर, तो यहाँ पर देखिए के नहीं, यहाँ के नहीं, के दूसरा जब मीडियम में रखें, किसी मीडियम में रख दें इसको एफ एम करते हैं, एफ एम इक्वल टू हो जाता है 1/4 pi epsilon naught के, यहाँ के लगा देते हैं Q1 Q2 upon r square, जब चार्ज को किसी मीडियम में रखें, और इन दोनों का रेशियो निकालें, इन दोनों का रेशियो है एफ ईयर अपॉन क्या एफ मीडियम करते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एम अपॉन एफ ई, इसको डिवाइड करोगे के आएगा, के क्या है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इसको लगाने से मीडियम में फोर्स कम हो जाता है, इसके कितना फोर्स इसकी, या सॉरी यहाँ पर ईयर और एफ एफ उल्टा हो जाएगा, जब इसको इसको इसे डिवाइड करेंगे तब यहाँ पर वो क्या आएगा के आएगा, इसको ये के, तो के ऊपर आपका सॉल्व हो जाएगा, ये हमारे पास याद, तो दिस इज ऑल्सो, इसको ये लिख सकते हैं कि ई आर के किसी का ई आर लिख सकते हैं, ई आर का नाम है एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर का नाम रिलेटिव परमिटिविटी, ऑल्सो नॉन है ये एफ ए अपॉन क्या लिख सकते हैं एफ एन। ओके, तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे मीडियम रखेंगे, जो मीडियम में तो फोर्स जो हमारा ये तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाती है हमारे पास, जैसे मीडियम में रखने पर फोर्स कम हो जाती है, तो ये हमारे पास। अब हम बात नेक्स्ट करेंगे कुछ वेक्टर फॉर्म में लिखना, कि वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।